स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा। मैं आज आपके लिए एक एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर से आपका लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। आज हम लोग नेमिंग का डिस्कशन करेंगे अल्कोहल के और फिनॉल के। ईथर के नेमिंग भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जब मैं पहले अल्कोहल और फिनॉल के कर लूंगा, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल की प्रॉपर्टी सारी पढ़ा लूंगा, फिर उसके बाद मैं ईथर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको अल्कोहल फिनॉल से रिलेटेड क्लासिफिकेशंस किया था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का, आपके ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का, और मैंने आपका किया था पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मैंने फर्दर क्लासिफाइड किए थे, आप प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। आज हम नेमिंग की बात करेंगे। नेमिंग से एक तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी बन जाया करती हैं, स्ट्रक्चर्स वाली प्रॉब्लम बन जाया करती हैं, तो वो हम लोग देख सकते हैं। नेमिंग के प्रॉपर और रूल्स जानने के लिए आप मेरे हेलो एल्केन्स और एलियंस वाले वीडियोस देख लीजिएगा, स्पेशली आईयूपीएससी वाला सेक्शन देख लीजिएगा, वहां पे नेमिंग कराई गई है, वहां पे थोड़ी डिटेल में करी गई थी। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि आपके समझ में आती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं एल्कोहल की नेमिंग की। ठीक है ना, हमारे स्टैंडर्ड में नेमिंग 3 पार्ट में डिवाइडेड की गई है। एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन नेम, एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका कॉमन नेम, एक हम लोग डिस्कस करेंगे कार्विनॉल सिस्टम, कार्विनॉल सिस्टम। ठीक है, एक हम लोग डिस्कस करेंगे कार्विनॉल सिस्टम, और एक हम लोग डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी सिस्टम। कॉमन नेम, कार्विनॉल सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम, ये सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे, बारी बारी से करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लें, कॉपी पेन लेकर बैठे और आप इसे नोट कर लें फटाफट। तो 3 सिस्टम डिस्कशन करने हैं, एक कॉमन नेम करना है, एक कार्विनॉल सिस्टम करना है, एक आईयूपीएसी सिस्टम करना है। मैं बारी बारी से सारे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप सारे वीडियो अच्छे से पढ़ें, सारे दबाकर तैयारी करें। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो मैं पढ़ा लूं चैप्टर्स, अभी आप देखिए क्या करने वाले। अभी मैं बहुत सारे ट्रिक्स दूंगा आपको, कन्वर्जेंस के ट्रिक्स दूंगा, व्हाट हैपन व्हेन के ट्रिक्स दूंगा। ठीक है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया करके देंगे आप लोगों के लिए, बस आप पढ़ते रहिए। हमने तो बीड़ा उठा लिया है लॉकडाउन में, आप लोगों का फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स को ज्ञान मिले। जितना हम पे है हम देने का पूरा प्रयास करेंगे, ज्ञान सबके पास होता है, बस देने के तरीके होते हैं। ठीक है, मैं किसी टीचर्स पे कमेंट नहीं करता, सब टीचर अच्छे हैं, सबके पास ज्ञान है, बस ज्ञान अपना अपना बांटने का तरीका है। ठीक है, ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन नेम में हमने एक पढ़ रखा है मिथाइल, इसका नाम आप जानते हैं मिथाइल C2H5, इसका नाम है इथाइल C3H7, ओके, दिस इज प्रोपाइल C4H9, दिस इज ब्यूटाइल, ओके, एनी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। CH3, this is isopropyl, CH3, CH2, CH bond, CH3, this is secondary butyl, ठीक है, CH3, 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 this is tertiary butyl, है ना, CH3, CH, CH3, CH2, बॉन्ड आइसोब्यूटाइल। हालांकि ये सारे मैं आपके अल्काइल ग्रुप जितने भी हैं, ये सारे मैं हेलो एल्केन्स में भी बता चुका हूं आप लोगों को, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, मैं वहां पे भी डिस्कशन कर चुका हूं आप लोगों से। ठीक है, अभी और लिख रहे हैं यार, लिखने दो, CH3, CH2, CH2,
CH2, CH2OH. This is pentyl. Okay, this is pentyl. इसको कहते हैं आइसोएमाइल, आइसोएमाइल ग्रुप कहते हैं इसे, है ना, आइसोएमाइल याद रखेंगे, इसको भी एमाइल कह सकते हैं, है ना, ये भी एमाइल कह सकते हैं, फाइव कार्बन के अल्काइल ग्रुप को एमाइल कह सकते हैं, ये भी एमाइल है, ठीक है, ये भी एमाइल है, पेंटाइल और एमाइल बोल सकते हैं आप लोग कॉमन नेम, ठीक है, इसे कहते हैं टर्शियरी, सॉरी नियोपेंटाइल, क्या कहते हैं, नियोपेंटाइल कहते हैं भाई, क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसे हम लोग नियोपेंटाइल कहते हैं, ओके, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, चलिए राइट डाउन द मिथाइल अल्कोहल, कुछ मत करिए, ओएच लगाए चले जाइए, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, दिस इज इथाइल अल्कोहल, दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, समझ में आता है, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज पेंटाइल अल्कोहल या अमाइल अल्कोहल कह सकते हैं, आइसोएमाइल अल्कोहल और दिस इज नियोपेंटाइल अल्कोहल, फटाफट कॉपी करके नोट कर लीजिएगा, सबके नेम उनके नीचे मेंशन कर लीजिएगा, ये कॉमन नेम है, दिस इज नॉट आईयूपीएसी, दिस इज ओनली कॉमन नेम, ओके, फटाफट नोट करना है। चलिए मान लीजिएगा आपसे वो ये कहता है, मान लीजिए आपसे कोई स्टूडेंट कहता है कि सर राइट डाउन द स्ट्रक्चर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल का फोटो बनाइए फटाफट, कॉमन नेम है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, ओएच लगा दीजिए, बन गया, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, चलिए मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है सर, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का फोटो बनाइए, ये सारे फोटो कॉमन फोटो है ना, अपने दिमाग में नोट कर ले बहुत अच्छे से, तभी काम बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, पेंटाइल, अमाइल, नियोपेंटाइल, ये सब वगैरह 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 सब आना चाहिए आपको, ठीक है, अभी कॉमन नेम एक दो और रह गए हैं, जरा उनसे भी सिल्ड लेते हैं, कॉमन नेम एक दो और रह गए भाई थोड़े से अच्छे से, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज विनाइल, CH2CH बॉन्ड CH2, दिस इज अलाइल एंड दिस इज बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल, ओके, ओएच लगा देते हैं तो बन गया विनाइल अल्कोहल, ओएच लगा देते हैं तो बन गया अलाइल अल्कोहल, और ओएच लगा देते तो क्या बन जाएगा, वेंजाइल अल्कोहल, क्या बन जाएगा, वेंजाइल अल्कोहल, ओके, अलाइल, अलाइल बनाना है तो दिस इज अलाइल, दिस इज विनाइल, दिस इज बेंजाइल, तो ये सब कॉमन नेम है, ये आने चाहिए आप लोगों को चैप्टर को रन करने के लिए, ये सब आना चाहिए चैप्टर को रन करने के लिए, ये सब आपको आना चाहिए, नोट करें फटाफट। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, कॉमन नेम हो गए हमारे भाई, लगभग कॉमन नेम हमारे हो गए। चलिए अब बात करते हैं कार्बिनोल सिस्टम की, कार्बिनोल सिस्टम, ओके, CH3OH कार्बिनोल सिस्टम है, ये इसका पेरेंट माना गया है, इसे हम लोग कहते हैं कार्बिनोल, ओके, इसे हम लोग कहते हैं बेटा क्या, कार्बिनोल कहते हैं, ये पेरेंट माना गया है, कार्बिनोल सिस्टम है, CH3OH को पेरेंट माना गया है, अब जितने भी इसके कार्बिनोल सिस्टम कार्बिनोल आएंगे वो सब इसके डेरिवेटिव्स होंगे, कैसे सर, कैसे होंगे, चलिए CH2OH मिथाइल ऐड हो गया, आप इसे कह सकते हैं दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल कार्बिनोल, ओके, दिस इज मिथाइल कार्बिनोल, आता है समझ में, और देखिए CH3OH, ठीक है, ओके, समझ में आता है, ये डाइमिथाइल हो गया, डाइमिथाइल हो गया आपका, आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं आप इसे, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल कह सकते हैं या डाइमिथाइल कार्बिनोल कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, डाइमिथाइल कार्बिनोल कह सकते हैं या आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल कह सकते हैं, ठीक है, CH3
CH3OH 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, क्या कहेंगे, दिस इज ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल C2H5, दिस इज ट्राई इथाइल, दिस इज ट्राई इथाइल कार्बिनॉल, समझ में आता होगा, फटाफट पॉज करके नोट कर लें, कार्बिनॉल CH3OH, बाकी के सब इसके पेरेंट, पेरेंट आपका कार्बिनॉल है CH3OH, बाकी के सब इसके डेरिवेटिव्स है, कुछ खास चीज नहीं है, बस कार्बिनॉल CH3OH है, मिथाइल कार्बिनॉल आपका CH3CH2OH है, पॉज करके फटाफट नोट कर ले, फटाफट नोट कर ले। तो कार्बिनॉल सिस्टम हो गया, IUPAC सिस्टम की बात करेंगे इसके बाद, कॉमन नेम हो गया, कार्बिनॉल सिस्टम हो गया, दोनों पे ध्यान रखें, फोकस रखें, दोनों से प्रॉब्लम बना कर सकती है। वापस बोलता हूँ, ये कार्बिनॉल पेरेंट है, ये बाकी के डेरिवेटिव है, मिथाइल कार्बिनॉल, डाइमिथाइल कार्बिनॉल, ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल और ट्राइथाइल कार्बिनॉल, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा गलत बोल दिया था मैंने। ओके, दिस इज आइसोप्रोपाइल, ये होगा आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल, ये डाइमिथाइल कार्बिनॉल होगा, ये आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल होगा, क्योंकि दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। मान लीजिएगा यहां पे कोई आपसे कहता है भैया डिग्री डिस्क्राइब कर दीजिए अल्कोहल की, बिल्कुल OH आपका एक ही कार्बन से है, ये तो 1 डिग्री है, ठीक है, OH आपका जितने कार्बन से वो एक से ही है, ये 1 डिग्री, OH जितने कार्बन से वो भी एक से 1 डिग्री, OH आपका जिस कार्बन से वो 2 से अटैच है 2 डिग्री, OH आपका जिस कार्बन से वो 3 से अटैच है ये भी 3 से अटैच है, आप इस तरीके से डिग्री निकाल सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने डिग्री की बातें की थी, डिग्री निकालना आपको सिखाया था, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, चलिए सरकार, कॉमन नेम हो गया, बिल्कुल हो गया, कार्बिनॉल सिस्टम हो गया, हो गया, अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट होता है, नॉट केमिस्ट्री, याद रखें, मैं मानता हूं बहुत सी बुक्स में केमिस्ट्री लिखा हुआ है लेकिन आप याद रखें केमिस्ट होता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, IUPAC सिस्टम सीखने से पहले मेरा हेलो एल्केन वाला IUPAC नियम वाला वीडियो जरूर देखें, मैंने वहां पर डिटेल में बात की है, या नहीं करूंगा, आपको याद होगा, मैं बस थोड़ा सा याद करा रहा हूं, P+R P0+S0 बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूं, मैंने आपसे बताया था भाई आप इस सिस्टम को फॉलो करके नेमिंग करते हैं, पी हमारे साइड ग्रुप होते हैं, जैसे कि क्लोरो, जैसे कि ब्रोमो, जैसे कि आयडो, जैसे कि फ्लोरो, जैसे कि हाइड्रोक्सी, जैसे कि नाइट्रो, ठीक है, जैसे कि अमाइनो, है ना, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ये हमारे साइड ग्रुप होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं ये हमारे, आर हमारे होते हैं रूटवर्ड, रूटवर्ड शो करते हैं कार्बन, है ना, ये सारी बातें हमारी पहले भी हो चुकी हैं, मैं नई बातें नहीं करूंगा कुछ भी ऐड, है ना, 10 से ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ज्यादा आता भी नहीं है, 1 के लिए मीथ होता है ये सारी बातें हुई थी, 2 के लिए ईथ होता है ये सारी बातें आप पहले से जानते हैं, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ड्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक, ये सारी बातें हमारी हो चुकी है, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, कुछ नया नहीं सीख रहे, सब कुछ जानते थे, पहले से जानते थे, प्राइमरी सरफिक्स बताता था सर, नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करते थे सर, इसमें हम लोग सिंगल बॉन्डेड है तो हम कह देते सर एल्केन होगा, डबल बॉन्ड है तो हम कह देंगे सर अल्कीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कह देंगे सर अल्काइन होगा, इस बार कुछ नया आ गया, बस इस बार कुछ नया आ गया, और वो आ गया मेरा सेकेंडरी सरफेक्स, जिसको मैं कहता हूं फंक्शनल ग्रुप, जिसको मैं कहता हूं फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप है इस बार हमारे पास OH, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आ गया इस बार मेरे पास, सेकेंडरी सरफेक्स आ गया फंक्शनल ग्रुप, अभी सब बातें करूंगा, ये सारी चीजें पहले ही बता चुका था, नया कुछ नहीं है, प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं,
हेलो एलिगेंस में पहले भी डिटेल अच्छे से की है, कुछ रूल्स बना रखे थे सर, एक बहुत शॉर्ट में बता देते हैं कि साहब लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट साइड सेलेक्ट करनी है, कुछ ऐसा एक रूल था। फिर ये रूल बनाया था कि साहब अगर कोई साइड ग्रुप आता है तो काउंटिंग वहां से होगी जहां से वो पास पड़ेगा। तीसरा रूल था कि अगर मोर देन सब सूट आ जाते हैं, मान लीजिएगा मोर देन साइड ग्रुप आ जाते हैं, है ना, मोर देन आ जाते हैं तो काउंटिंग लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट तो सिलेक्ट करनी है, काउंटिंग भी वहीं से होगी जहां से वो पास पड़ेगा, लेकिन अगर मोर देन साइड ग्रुप है, मोर देन सबसूट है, प्रीफिक्स है, तो आप उन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उन्हें अरेंज करेंगे, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे आते हो, पहले ए वाले फिर बी वाले, बस हो गया मेरा काम। मेरे को 36 रूल नहीं आपको बताना, 7-8 होते हैं, हालांकि मेरा तो इन्हीं से काम चल जाएगा, मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहता, ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी थी, बस फंक्शन ग्रुप ऐड हो गया, बस फंक्शन ग्रुप ऐड हो चुका है। कुछ रूल्स फॉलो कर देते वो मैं बता दूं, लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन छांटते थे, यस, नंबरिंग वहां से करते थे जहां से वो पास पड़ेगा, यस, मोर देन आ जाते थे तो सर सारे काम तो वही करते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम उन्हें अरेंज करेंगे नेमिंग के बेसिस पे, जो ए वाला होगा उसे पहले ले आऊंगा, जो बी वाला होगा उसको मैं बाद में लगा दूंगा। फटाफट इसे पॉज करके नोट कर ले, अब आपको दिखाता हूं असली खेला नेमिंग का, अल्कोहल का खेला समझते हैं, पूरा खेला समझते हैं, अल्कोहल के लिए पूरी कोशिश करूंगा आपको समझ में आए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं फिर भी एक बार आपका कंफ्यूजन, एक और कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। मान लीजिएगा मैंने ये लिख रखा है CH3CH2CH2OH, ओके, और मैंने ये लिख रखा है, आप इन दोनों में कुछ फर्क समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझता सर, ये कंडेंस फॉर्मूला है, ये आपने कुछ नया नहीं किया, ये लीनियर फॉर्मूला है, लीनियर फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजनों को छुपाया जाता है, तो हमने वही काम किया है, ठीक है, जहां पे भी लाइन आती है वहां कार्बन होता है, टर्मिनल आता है वहां पे कार्बन होता है, अगर एक दूसरे को कहीं पे इस तरीके से कट कर रही है तो वहां कार्बन होगा, तो 1 2 3 4 आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये आपका OH आ गया। फाइनली मेरा बताने का मकसद ये था कि यहां कोई कार्बन नहीं होगा, ये तो बॉन्ड है ओ का सी से, ठीक है, ये बॉन्ड है ओ का सी से, आप फिर समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है, ये अल्कोहल है लेकिन कैसा लीनियर, कार्बन कितने होंगे 1 2 3 4 5, ये कार्बन नहीं होगा, ये तो बॉन्ड है OH का सी से, ठीक है, फिर थोड़ा समझ सकते हैं, बस आपके लिए थोड़ा सा फायदा करना चाहता हूं, फिर समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये OH होगा, यहां पे कोई कार्बन नहीं होगा, ये तो बॉन्ड है OH का, ठीक है, ये बॉन्ड है OH का, ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए थी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं लीनियर स्ट्रक्चर्स वाली प्रॉब्लम ज्यादा तैयार करूंगा, हटा दूं मैं इसे, ठीक है, हटा देता हूं। चलिए समझिएगा नेमिंग कैसे करनी है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा P+R P0+S0। चलिए मैं शुरू करता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे किसी ने कहा सज्जन ने कि सर इसका नाम बता दीजिए, बिल्कुल सर लॉन्गेस्ट सिलेक्शन तो यही होगा, काउंटिंग कर लीजिए सर कहीं से कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं है, ब्यूट वाले 4 होता है, साइड ग्रुप तो कोई है नहीं, आप देख लीजिएगा कोई साइड ग्रुप नहीं, कोई क्लोरो ब्रोमो आइडो फाइडो कुछ नहीं है साहब खाली, तो भैया प्रीफिक्स का तो कोई काम ही नहीं है, रूट वर्ड सेलेक्ट हुआ है 4 का, बॉन्डिंग देख सकते हैं सिंगल बॉन्डेड है, चेक कर लीजिएगा सिंगल बॉन्डेड है, क्या आएगा एन, आप जोड़ के नाम बना देते थे बड़े प्यार से, दिस इज ब्यूटेन, बताइए कोई तकलीफ, चलिए खेला समझ में आता है, CH3 CHBr बॉन्ड CH3, अब हमारे पास ये नाम आ गया, अरे इस बार तो कुछ नया है, इस बार तो साइड ग्रुप है, बिल्कुल है, लॉन्गेस्ट सिलेक्शन ही होगा, काउंटिंग वहां से होगी जहां से वो पास पड़ेगा, मैं अपने सिद्धांतों पे लागू हूं, अपनी सारी बातें सही कर रहा हूं कि लॉन्गेस्ट सिलेक्शन तो यही होगा सर, काउंटिंग वहां से होगी जहां से वो पास पड़ेगा, उसके हिसाब से 1 2 3 4 होगा, साइड ग्रुप आ रहा है, फॉर्मूला कह रहा है साइड ग्रुप आ रहा है 2 ब्रोमो, ओके 2 ब्रोमो, फिर आप करते थे 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, हो गया नाम, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, यही आप कर रहे थे, बस अब सीखेगा
यही काम आप कर रहे थे। अब हम कुछ फंक्शन ग्रुप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। OH हमारा फंक्शन ग्रुप है जिसको प्राइमरी सर्फिक्स में हम लोग कहते हैं, जिसको हम प्राइमरी सर्फिक्स में कहते हैं हाइड्रोक्सी। ओके, याद रखेंगे। हालांकि मैं इसका यूज बताऊंगा इसे हाइड्रोक्सी कब बोलते हैं। फिलहाल थोड़ा सा मान लीजिएगा कि प्राइमरी सर्फिक्स में इसे हाइड्रोक्सी बोलते हैं और सेकेंडरी सर्फिक्स में इसको हम लोग बोलते हैं ऑल। ओके ओके, इसे हम लोग बोलते हैं ऑल। ठीक है, फंक्शन ग्रुप को मैं क्या कहता हूं, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाता हूं। मान लीजिएगा आपके घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है, आपके घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन सारी प्रॉब्लम, घर के सारे बड़े काम तय करने के लिए शायद फादर ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फादर ही सारे काम करते हैं, फादर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम किस तरीके से होगा। वहां पर हमारी और आपकी नहीं चल पाती। अगर पिताजी मौजूद है तो पिताजी की चलेगी, आपकी और मेरी नहीं चलेगी। बस मैं यही बताने वाला था, सुनिएगा। अगर आप किसी भी कंपाउंड का नेम बना रहे हैं, कोई साइड ग्रुप नहीं है, आपने अपनी मर्जी का किया, आपने लोगो सिलेक्शन अपनी मर्जी से कर लिया, नेमिंग बन गया, साइड ग्रुप आ गया, आपने क्या किया, लोगो सिलेक्शन किया, लेकिन इस बार आपने काउंटिंग वहां से की जहां से वो साइड ग्रुप पास पड़ता था। बिल्कुल सर। लेकिन अगर घर में पिताजी मौजूद है, कौन पिताजी, मतलब फंक्शन ग्रुप मौजूद है, कौन मौजूद है, फंक्शन ग्रुप अगर मौजूद है, फंक्शन ग्रुप मेरा यहाँ पे OH है, हाइड्रोक्सिक ग्रुप है, एल्कोहल है, अगर फंक्शन ग्रुप मौजूद है तो अब ना तो मेरी चलेगी ना आपकी चलेगी, अब सारा खेला करेंगे पिताजी, सारी बातें तय करेंगे पिताजी। पिताजी तय करेंगे कि कहां से काउंटिंग होनी है और कहां से नंबरिंग होनी है और कहां से सिलेक्शन होना है। समझ में आता है, सारे काम अब फादर सिलेक्शन करेंगे। ओके, समझ में आता है। ओके, सारे काम फंक्शन ग्रुप करेगा, अब मैं नहीं करूंगा। समझ में आ गया। अगर OH ग्रुप जहां से भी मौजूद होगा किसी भी कंपाउंड में, वहीं से नंबरिंग होगी, वहीं से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी। ओके, चलिए अब खेला समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अब आपके समझ में आएगा। CH3 CH2 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 OH। ओके, मान लीजिएगा कोई आपसे कहता है कि सर राइट डाउन द IUPAC नेम, बिल्कुल, लॉन्गेस्ट सिलेक्शन तो यही होगा, बिल्कुल होगा, फॉर्मूला कहता है P+R P0+S0, साइड ग्रुप तो कोई है नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, इस तरह OH फंक्शन ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं फंक्शन ग्रुप मौजूद है OH, आप देख सकते हैं इस बार इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मौजूद है OH, अब सारे काम OH करेगा, सिलेक्शन भी अपने पास से करवाएगा, काउंटिंग भी अपने पास से करवाएगा। वो तो बेचारे की थोड़ी सी बदकिस्मती खराब है कि वो अपने पास कार्बन नहीं रखता, कुछ और फंक्शन ग्रुप आएंगे वो रखते हैं, ये नहीं रखता, लेकिन सम्मान तो पूरा है, जहां से पास पड़ेगा वहीं से अब काउंटिंग होगी, जहां से पास पड़ेगा वहीं से लॉन्गेस्ट सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो पी का तो काम खत्म क्योंकि है ही नहीं है, रूट बट कितने का सिलेक्ट है, 4 ब्यूट। बॉन्डिंग चेक कर सकते हैं सर, बॉन्डिंग हमारी होगी सिंगल एन, और OH का सेकेंडरी सर्फिक्स नेम है ऑल। फिर देखिएगा ध्यान से, OH का सेकेंडरी सर्फिक्स नेम है ऑल, और जब भी हम किसी प्राइमरी सर्फिक्स में सेकेंडरी सर्फिक्स ऐड करते हैं उसकी ई को कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि वो कॉमन रहती है, एन इन आइन, तो आपका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। दिस इज कंप्लीट नेम, दिस इज अ ब्यूटेनॉल। ओके, दिस इज ब्यूटेनॉल। फिर देखिए CH3 CH2 CH OH बॉन्ड CH2 OH, लॉन्गेस्ट सिलेक्शन यही होगा। कितने फादर मौजूद हैं, 2। फंक्शन ग्रुप कितने मौजूद हैं, 2। काउंटिंग कहां से होगी, सर काउंटिंग यहीं से होगी, सिलेक्शन भी यहीं से होगा। ओके, IUPAC के हिसाब से, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, IUPAC के हिसाब से साइड ग्रुप तो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, रूट बट कितने का सिलेक्ट है, 4 का ब्यूट, कैसा नेचर है, सिंगल। ओके, फंक्शन ग्रुप मौजूद है, बिल्कुल, 2 मौजूद है, 1 1 पर है, 1 2 पर है, दोनों एक सेंस लिए डाई, और नाम आ जाएगा ऑल, आपका नाम बन गया ब्यूटेन 1 2 डाइऑल। अगर आप इस पोजीशन को पहले लिखना चाहते हैं, रूटवर्ड से पहले लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, आपको ये हटाना पड़ेगा, तब नाम बनेगा 1 2 डाई ब्यूटेनॉल। आप देख सकते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों नाम ठीक है, पहले तो ये सुन लें, लेकिन यहां पे मैंने ई को हटाया है। अगर ई हटाना चाहते हैं तो पोजीशन पहले लिखेंगे,
अगर ईआरए नहीं हटाना चाहते तो आप पोजिशन बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। एक नाम और देख लीजिएगा, CH3, CH2, CHOH, बॉन्ड CH3। लॉन्गेस्ट सिलेक्शन यही होगा, बिल्कुल होगा सर। काउंटिंग कहां से होगी, यहां से पिताजी पास पढ़ेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। खेला समझ में आ गया होगा, ओके। साइड ग्रुप तो कोई है नहीं है, लेकिन अगर ई हटाना चाहते हैं तो 2 पहले लिखना पड़ेगा। टोटल सिलेक्शन 4 है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और OH का सेकेंडरी सर्फिक्स होगा ऑल। दिस इज 2 ब्यूटेन ऑल, ओके। आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते थे, ब्यूट माने 4, सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 पर एल्कोहल है 2 ऑल, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल। आप इस तरीके से भी इसका नाम तैयार कर सकते थे। दोनों नेम ठीक है, कमी किसी में नहीं है, लेकिन ज्यादातर राइटर्स इस वाले नेम को लिखते हैं, आप भी इसी को फोकस करेंगे। फिलहाल आप पॉज करके नोट कर लें, फटाफट पॉज करके नोट कर लें। माफ करिएगा, ये वाला नेम वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा था, तो आप ऊपर लिख सकते हैं, मतलब 2 ब्यूटेनॉल को आप ब्यूटेन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आगे ध्यान रखूंगा, इससे नीचे नहीं रखूंगा। चलिए समझ में आ गया, OH आ गया तो सारे काम OH करेगा, मेरी और आपकी अब नहीं चलेगी। OH आ गया वही लॉन्गेस्ट सिलेक्शन कराएगा, OH आ गया वही नंबर डलवाएगा, हो गया काम। चलिए शुरू करते हैं खेला, हो गया काम। CH2OH, CH2OH, ओके। इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, नेम बना लीजिएगा, यूपीएससी लॉन्गेस्ट तो यही होगा। कितने पिताजी मौजूद हैं, 2, 1 2, पहले 1 पर दूसरे 2 पर, दोनों एक से एस लिए डाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्बन का सिलेक्शन है ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और OH का सेकेंडरी सर्फिक्स ऑल, दिस इज 1 2 डाई इथेनॉल, ये इसका नेम होगा। ऐसे ही नेम ज्यादातर पूछे जाते हैं आप लोगों से, है ना। दिस इज ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन आप इसे कह सकते हैं, राइट डाउन द यूपीएससी नेम ऑफ ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल कह सकता है। लॉन्गेस्ट सिलेक्शन तो यही होगा, बड़ा खुदकिस्मत वाला व्यक्ति है जिसके पास 3-3 पिताजी हैं। फंक्शन ग्रुप को पिताजी तो कहते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके पास 3-3 पिताजी हैं, पहले 1 पर, दूसरे 2 पर, और तीसरे 3 पर। शुरू हो जाइए, 1 2 3, पोजिशन पहले लेना चाहते तो ईव हटानी पड़ेगी। 1 2 3 प्रो, बिल्कुल ओके, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, सॉरी 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल, ओके। आप ये भी नाम लिख सकते थे इसका, प्रोप सिंगल बॉन्डेड एन, 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्डेड एन, और 1 2 3 ट्राई ऑल, 1 2 3 ट्राई ऑल प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई ऑल, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। चलिए कुछ अच्छी प्रॉब्लम ले लेते हैं, कुछ प्यारी प्यारी सी बढ़िया बढ़िया सी प्रॉब्लम सॉल्व ले लेते हैं, जिस तरीके से आपके एग्जाम में डिजाइन होती है, है ना, आपको थोड़ी सी तकलीफ देती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, ओके। चलिए बारी बारी से सारी करेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, सारी सबका आंसर देंगे, ठीक है, सबका आंसर दिखा लेंगे, ओके, सबका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहेगा। चलिए मैंने कहा कि अगर आपको तकलीफ होती है लीनियर प्रॉब्लम्स को बनाने में, लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, आप उनके कार्बन आइडेंटिटी कर लें, फाइल नंबरिंग वहां से होगी जहां से पास पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, हो जाइए। सिर्फ साइड ग्रुप तो कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 टोटल सिलेक्शन 5 है पेंट, सिंगल बॉन्डेड एन, 2 पेंटेनॉल, दिस इज 2 पेंटेनॉल, क्योंकि OH ग्रुप आपका 2 पर है, सारी पोजीशन यहीं से डिसाइड होनी है। आपको पता है ये कोई कार्बन नहीं है, ये तो पहले बता चुका, दिस इज द बॉन्ड, कार्बन का O का बॉन्ड है, यहां से है कार्बन आपके, ये है 1 2 3 4, सिंपल हो जाएगा ब्यूटेनॉल, 1 की पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सिंपल हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये भी ब्यूटेनॉल ही होगा, मैं वापस रिपीट कर चुका हूं इसको वाले को। यहां पे 2 ही कार्बन है, ये हो जाएगा इथेनॉल, ये थोड़ा अच्छा सा है, यहां पे CH3 आ जाएगा,
यहाँ सी एस थ्री आ जाएगा, यहाँ सी एस थ्री आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। लॉन्गेस्ट तो ये होगा 1 2 3 4 1 2 3, क्योंकि आईयूपीएससी तो ये कहता है आपको लॉन्गेस्ट सिलेक्शन करना है, तो मैंने तो लॉन्गेस्ट कर दिया। ये साइड ग्रुप बन गया, ये पिताजी हो गए, तो दिस इज टू मिथाइल, दिस इज टू मिथाइल, ओके, टू प्रोपेनॉल, ओके, तीन कार्बन है इसलिए प्रोप आया, टू पर ओएस था और सिंगल बॉन्डेड था तो एन आया, और टू पर ओएस था इसलिए ऑन आ गया। ठीक है, ये वाले नाम आप खुद से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 यहीं से क्यों किया, क्योंकि यहां से ओएस टू पे पड़ेगा और यहां से चलता हूं तो ये ओएच आपका थ्री पे पड़ेगा, तो रूल्स फॉलो करने हैं। अगर रूल्स फॉलो नहीं करते तो नेम गलत हो जाएंगे, इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। फटाफट आप इसे नोट कर लीजिएगा, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। मैं सारी बातों को एक क्वेश्चन में लेकर खत्म करना चाहता हूं, शायद आपके दिमाग में बैठ जाए, बहुत अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, कोशिश करूंगा आपके दिमाग में बिल्कुल बैठेगी, बिल्कुल बैठेगी। हमसे कहा गया सर इसका आईयूपीएससी नेम बना दीजिए, बिल्कुल रूल कहता है लॉन्गेस्ट सिलेक्शन करना है, मैंने कर लिया। अब झगड़ा होगा काउंटिंग कहां से होगी, सर काउंटिंग यहां से होगी या यहां से, क्योंकि ये भी वन पे है और ये भी वन पे है। समझ में आता है, बिल्कुल आता है। आप भूल रहे हैं ये साइड ग्रुप है, ये सर किसका काम कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप का। ओएच कौन है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है इस बेचारे की नहीं चलेगी, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है इस बेचारे की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, फंक्शन ग्रुप की, क्योंकि फंक्शन ग्रुप हमने क्या माना है, पिताजी, घर में पिताजी की चलती है भाई, मेरी आपकी नहीं चलती। हो जाइए शुरू, 1 2 3 4, ये साइड ग्रुप बन गया, 4 ब्रोमो लगेगा, बिल्कुल 4 का सिलेक्शन ब्यूट सिंगल बॉन्डेड एन, 1 की पोजीशन है ऑल, 4 ब्रोमो ब्यूटेनॉल, 4 ब्रोमो ब्यूटेनॉल, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा, ये एनसीईआरटी का आया हुआ प्रॉब्लम है हमारा, ये एनसीईआरटी का आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये दो दो साइड ग्रुप आ रहे हैं, ये पिताजी आ रहा है, किसकी चलेगी, पिताजी की चलेगी, 1 2 3 4, लेकिन सबसे पहले तो इन साइड ग्रुपों को देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही कहता है, पी आ रहा है तो पहले पी को देखें, तो टू पर है, एक तो टू पर नाच रहा है, एक थ्री पर नाच रहा है, दोनों एक से, इसलिए डाई लगाएंगे भाई, नाम क्या है इनका, ब्रोमो, टोटल सिलेक्शन कितने का, ब्यूट सिंगल बॉन्डेड एन, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड एन ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ओके। फिर देखिए सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, लॉन्गर सिलेक्शन यही होगा, फंक्शन ग्रुप भी मिल रहा है, डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, तो यहां से काउंटिंग होगी। ठीक है, हम लिख सकते हैं 1 की पोजिशन लिखने की जरूरत नहीं थी, ईथ, दो कार्बन के लिए ईथ, नेचर डबल है इसलिए ई, और 1 की पोजीशन है इसलिए इथिनॉल, 1 की पोजीशन है इसलिए इथिनॉल, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इथीन वन ऑल, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इथीन वन ऑल, लिख सकते हो पहले लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इथिनॉल, है ना, सब सही है, सारे सही है, 1 की पोजीशन अंडरस्टूड होती है भाई, लिखने की जरूरत नहीं होती हम लोगों को। फिर देखें सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच OH, यही नेम बनेगा सर, यही नेम बनेगा, बस इन की जगह क्या क्या खेला होगा, इन की जगह बस सर एक ही खेला होगा कि अब आ जाएगा और वाइन आई ना जाएगा, वाई एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई एन आ जाएगा, बस एक ही खेला होगा और कोई खेला नहीं होगा। फटाफट पॉज करके नोट कर ले, फटाफट चलिए चलिए सर, एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, प्रॉब्लम तो बहुत सारी ली जा सकती है, बहुत सारी, ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ओके 1 2 3 4 5 6 7, लीनियर में कभी तकलीफ नहीं होगी, बस आप उनके कार्बनों को ढूंढ लिया करिए। ठीक है सर, ढूंढ लूंगा,
चलिए नेम बनाते हैं, टोटल सिलेक्शन 7 का है। हाँ सर 7 का है। तो आ गया है इस बार कमाल की चीज है, इस बार नेचर अनसेचुरेटेड हो चुका है क्योंकि डबल बॉन्डेड नेचर आ रहा है। कहां पर आ रहा है? 4 पर, फोरीन हेट फोरीन, और पिताजी मौजूद है कितने पर? 3 पर, हेट फोरीन 3 ऑल। ओके हेट फोरीन 3 ऑल। ओके क्लियर हो गई मेरी बात? ओके बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। देखिए अगर यही नाम होता, ये वाला, ये और ये, यही ये वाला नाम होता, बिल्कुल सेम बनता, बस इन की जगह क्या आ जाता? आइन। ठीक है, बस इन की जगह क्या आ जाता खेला में? आइन आ जाता। कॉपी करके फटाफट नोट कर लें, पॉज करके फटाफट नोट करें फटाफट। सारी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रॉब्लम ले रहा हूं, प्रॉब्लम तो बहुत सारी कराई जा सकती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम शेयर किए जा सकते हैं आप लोगों से, बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं, क्वेश्चनों की तो कोई लिमिट ही नहीं है, मैं और आप खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे कभी। ठीक है चलिए उतना पढ़ लेते हैं जितनी आवश्यकता है, मेरा एग्जाम अच्छे से चला जाए बस। आपने प्रीवियस वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कहा था सर ये साइक्लोप्रोपेन है, आपने प्रीवियस वीडियो में चिल्लाया था सर ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है और ये साइक्लोहेक्सेन है, कहा था भैया आपने कहा था। मान लीजिएगा इसके पास OH ग्रुप मौजूद है, ओके ओके, और फंक्शन ग्रुप मौजूद है तो वहीं से काउंटिंग होगी, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। मुझे अब इनके नेम बनाने, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं जानता हूं उनके बारे में। वन की पोजीशन है तो वन, प्रोपेन नहीं है ये साइक्लोप्रोपेन है सर, साइक्लोप्रोपेन सिंगल बॉन्डेड है ना साइक्लोप्रोपेन, और एन ओएच को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? साइक्लोप्रोपेनॉल, दिस इज वन साइक्लोप्रोपेनॉल, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओपन के लिए करते थे, बस साइक्लिक सिस्टम है, रूट वर्ड से पहले साइक्लिक लगाना है तो साइक्लो लगा दिया। ठीक है, वन की पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं थी इधर क्योंकि ये अंडरस्टूड है, अगर पोजीशन नहीं लिखते तो वन भी होगा, ये वन साइक्लो ब्यूटेनॉल। ओके देख लीजिए ये बन गया वन साइक्लो पेंटेनॉल, और ये बन गया वन साइक्लो हेक्सेनॉल, वन साइक्लो ब्यूटेनॉल, वन साइक्लो पेंटेनॉल, वन साइक्लो हेक्सेनॉल। ओके अब थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम अच्छी कर लेते हैं। नेमिंग करनी है, वन किसको देंगे? OH को देंगे, तो ये तो टू हो गया, साइड ग्रुप आ गया भाई टू ब्रोमो, ओके साइक्लो पेंटेनॉल, टू ब्रोमो साइक्लो पेंटेनॉल, फंक्शन ग्रुप आ रहा है ना। चलिए ये वन होगा, 1 2 3, इस बार हो जाएगा 2 3 डाई ब्रोमो, ठीक है साइड ग्रुप आ गए 2 पर 1 3 पर, फॉर्मूला फॉलो करिए बस, P प्लस R, P नॉट प्लस S नॉट मेरा, तो साइड ग्रुप आ गए 2 3 डाई ब्रोमो, वन की पोजीशन है लिखे या ना लिखे साइक्लो पेंटेनॉल। इस तरीके से आप और भी सारे नेम बना सकते हैं, ये वाला नेम काफी पूछा गया है, आप इस पर जरा ध्यान दें, ये वन की पोजिशन होगी, वन पे सी एस थ्री है, वन पे यू एच है, तो क्या लिखेंगे? वन मिथाइल, ओके साइक्लो पेंटेनॉल, ओके वन मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल हम इसका नेम लिखेंगे। ठीक है फटाफट नोट कर ले पोस्ट करके। चलिए ये नीचे नहीं आ पा रहा है, ज्यादा नीचे क्या लिख देते हैं? वन मिथाइल
साइक्लो पेंटेनॉल, वन मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल। ओके, फटाफट पॉज करके नोट करें अपनी कॉपी में, नेमिंग बनाए, प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी आपकी नॉलेज अच्छी होगी, नहीं तो आप कितने भी वीडियो देखते रहें और किसी के भी देखते रहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितने भी वीडियो देखते रहे और किसी के भी देखते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद वर्क नहीं करेंगे। इस चीज को तो बहुत अच्छे से जान लें, सारा खेल आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है, हमने तो दे लिया जो देना था। ठीक है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसका नेम बनाना है। बिल्कुल, वन तो यही होगा, वन पे डबल बॉन्ड है, वन पे OH है। अभी आपको ये तो पहले भी बता चुका हूं कि डबल बॉन्ड आता है तो आप पीछे तो जाते नहीं, उसे कवर करके तो आगे जाते हैं। यस, तो टू हमेशा ये होगा, वन पर ही OH है, वन पर ही डबल बॉन्ड है, तो मैं लिख सकता हूं साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक रिंग है। टोटल कार्बन 5 है पेंट, लेकिन नेचर डबल है ईन, और वन पर OH है, हो गया साइक्लोपेंटीनॉल। साइक्लोपेंटीनॉल क्लियर हो रहा है? ठीक है, साइक्लोपेंटीनॉल। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे, या हो जाएगा हेक्सिनॉल, साइक्लोहेक्सिनॉल। ओके, ये वाला नेम हो जाएगा एज इट इज सेम, साइक्लोपेंटीनॉल की जगह हो जाएगा साइक्लोहेक्सिनॉल। ठीक है, साइक्लोहेक्सिनॉल, इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम बनेगा। पेंट की जगह ये हो जाएगा ब्यूटीनॉल, साइक्लो ब्यूटीनॉल, क्योंकि डबल बॉन्ड भी वन पर है, OH भी वन पर है, इसलिए पोजीशन नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब आप इस वाले क्वेश्चंस को देखें तो मैं पोजीशन जरूर लिखूंगा। ठीक है, अब मैं पोजीशन जरूर लिखूंगा क्योंकि इस बार साइड ग्रुप भी आ रहा है, आप देख सकते हैं इस बार तो साइड ग्रुप भी आ रहा है, वन टू थ्री, थ्री पर बी आर है तो थ्री ब्रोमो, वन पर OH है, पोजीशन लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं मुझे, साइक्लो पेंटीनॉल, थ्री ब्रोमो साइक्लो पेंटीनॉल। इस तरीके की प्रॉब्लम मेरे बच्चे आया करती हैं। ठीक है, आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें, एनसीईआरटी की एलिफेटिक वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब मैं लूंगा एरोमेटिक सेक्शंस की प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूं, उन्हें घर पे ट्राई करें। ठीक है, करिए, पढ़िए आप लोग। ठीक है, हमने ज्ञान कर दिया है फ्री। ओके, हमने ज्ञान कर दिया है फ्री, बस आप पढ़िए। ठीक है, बस आप पढ़िए, बस इतना करिए। अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताइए ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो। ठीक है, हमें भी कुछ फायदा हो, बस इतना तो कर ही सकते हैं भाई। ठीक है, लाइक करिए हमारी वीडियो को, और अच्छा लगता है तो फ्री में तो इतना कर ही सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स आपको लिए कर दे रहे हैं, ट्राई करिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये लगभग एलिफेटिक के सारे प्रॉब्लम, साइक्लिक के हमने सारे प्रॉब्लम लगभग आपके लिए ले लिए।
अब हम आपके लिए एरोमेटिक की बात करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम एरोमेटिक एल्कोहल भी कह सकते हैं। एरोमेटिक एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है हमारा फिनोल, बड़ा फेमस कंपाउंड है, इसी के बारे में हमें पढ़ना भी है इस अगले चैप्टर में, ठीक है। फिनोल का जो फंक्शन ग्रुप हुआ करता है वो ये होता है, ओके। इसका टेस्ट भी करते हैं हम लोग, अभी सीखेंगे, अभी एक टेस्ट का वीडियो बनाएंगे, सारे टेस्ट का एक वीडियो बनाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ सारे टेस्ट आपके निकल कर आएंगे। अब बिल्कुल परेशान ना हो, टेस्ट का वीडियो भी बनाया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट मेंबर है हमारा फिनोल। आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई बेंजीन पर OH है तो फिनोल, एरोमेटिक एल्कोहल है, OH ग्रुप आपका डायरेक्टली कनेक्ट है एरोमेटिक न्यूक्लियस से, बेंजीन के न्यूक्लियस से, इसलिए हम इसे एरोमेटिक एल्कोहल कह रहे हैं। ये बात हमने क्लासिफिकेशन में कर ली थी, एरोमेटिक एल्कोहल है जिसको हमने कहा है फिनोल, फिनोल, ओके, ठीक है। दिस इज फिनोल, कुछ पढ़े लिखे लोग इसे कह सकते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी को भी OH हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं आप इसे, ये भी इसका नेम है, ये भी इसका नेम है, और कुछ पढ़े लिखे लोग इसे बेंजीनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम इसका नाम फिनोल लेंगे, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें, हम ज्यादातर सारे राइटर्स ज्यादातर इसका नाम फिनोल ही कॉल करते हैं, तो हम भी फिनोल करेंगे, लेकिन हम इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते थे और हम इसे बेंजीनॉल भी कह सकते थे, क्योंकि बेंजीन तो है OH आ गए इसलिए बेंजीनॉल, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं इसलिए हाइड्रोक्सी बेंजीन, और फिनोल उसका कॉमन नेम है, ज्यादातर वही फेमस है तो हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। समझ में आता होगा, बेंजीन पर OH फिनोल होगा, बेंजीन पर OH फिनोल होगा। आपको एक बात हम पहले भी बता चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में कि बेंजीन के पास तीन पोजीशन होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 और 1, 6 की जो पोजीशन होती है वो ऑर्थो पोजीशन होती है, 1, 3, 1, 5 पर जो पोजीशन होती है वो हमारी मेटा पोजीशन कहलाती है, और 1, 4 वाली जो पोजीशन हुआ करती है वो हमारी पैरा पोजीशन कहलाती है, बिल्कुल ठीक है। चलिए सर हो गया, चलिए इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, दिस इज द फिनोल, एक ये कंपाउंड मैंने आपके लिए बनाया, एक ये कंपाउंड मैंने आपके लिए बनाया, और एक ये कंपाउंड मैंने आपके लिए बनाया, और मुझे इनके सबके नेम पता करते हैं बारी बारी से। चलो शुरू करते हैं, OH तो फंक्शन ग्रुप है, वो तो वन होगा भाई, ये तो वन फर्स्ट लेके बैठा है, दिस इज टू, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 4, पढ़े लिखे हिसाब से नेम बनाए तो नाम होगा 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो फिनोल, ओके। मैं नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि आप जानते हैं इसका नाम होगा 3 नाइट्रो एजिटिस, और इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो एजिटिस। तो 2 नाइट्रो फिनोल, दिस इज 3 नाइट्रो फिनोल, दिस इज 4 नाइट्रो फिनोल, लेकिन आप देखें 1, 2 कुछ स्पेशल है, यस 1, 2 मेरे लिए स्पेशल है, वो मेरी होती है ऑर्थो पोजीशन, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, क्लियर होगी मेरी बात। यहां पे 1, 3 पोजीशन बनती है तो मैं लिख सकता हूं मेटा नाइट्रो फिनोल, और यहां मेरे बच्चे मैं लिख सकता हूं 4 नाइट्रो फिनोल, ओके। पैरा नाइट्रो फिनोल, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल और मेटा नाइट्रो फिनोल मैं लिख सकता हूं, ऑर्थो नाइट्रो पैरा फिनोल लिख सकता हूं, पॉज करके नोट कर ले, दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों ही नेम ठीक है, आप परेशान ना हो। मेरे पास अब एक ये प्रॉब्लम आ गई, और ये सारे के सारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जांपल है, एरोमेटिक मोनोहाइड्रिक, ठीक है, एरोमेटिक भी है और मोनोहाइड्रिक भी है, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट कंपाउंड है, ये तो बहुत विशेष इंपोर्टेंट कंपाउंड है, और इसको तो याद रखिए क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। व्हाट इज नेम, 1, 2, 3, 4, सर 2, 4 होगा, डाइनाइट्रो होगा, और सर फिनोल होगा, बिल्कुल 2, 4 होगा, डाइनाइट्रो होगा, फिनोल होगा, इसका क्या होगा सर, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा,
ट्राई नाइट्रो होगा और फिनॉल होगा, बिल्कुल। लेकिन आपको मैंने बताया था दिस इज 1-2-1-4 पोजिशन, 1-2-1-4 पोजिशन, ऑर्थो पैरा क्या कहलाती थी, ऑर्थो 1-2 ऑर्थो 1-4 पैरा, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल, ओके फिनॉल, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल, ये मेरा नेम हो जाएगा ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल। इसका नाम हो जाएगा मेरे बच्चे टू सॉरी ऑर्थो पैरा ट्राई, क्योंकि 1-2-1-6 ऑर्थो होती है, 1-4 पैरा होती है, ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो फिनॉल। कुछ पढ़े लिखे लोग इसका नाम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, कुछ पढ़े लिखे लोग इसका कॉमन नेम बताया करते हैं पिक्रिक एसिड। ये आईयूपीएसी नेम करके क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम पिक्रिक एसिड, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। तो दिस इज 2-4-6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हुआ करता है हमारा, ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हुआ करता है ये हमारा, बहुत हाईली एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है, नोट कर ले फटाफट नोट कर ले। हो गया, हो गया। चलिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा हूं मैं, बिल्कुल कोई फालतू बात नहीं आपसे करना चाहता, ना मैं आपको सिखाना चाहता, मैं ये चाहता हूं कि आप अपना एग्जाम अच्छे से कर लें। फिलहाल आप अपना एग्जाम अच्छे से कर लें, अच्छी केमिस्ट्री और पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको और रास्ता दिखा दूंगा, एक से एक हमारे गुरुजी पढ़े हुए हैं, वो आपको सिखा देंगे, ठीक है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी में है। चलिए, 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4 क्या नाम हो जाएगा, 2-मिथाइल हो जाएगा, ओके 2-मिथाइल फिनॉल कह सकते हैं, ठीक है, इसको 3-मिथाइल फिनॉल एज इट इज, इसे 4-मिथाइल फिनॉल एज इट इज, ओके ठीक है, कह सकते हैं ना 2-मिथाइल फिनॉल 3-मिथाइल फिनॉल और 4-मिथाइल फिनॉल। लेकिन ध्यान रखें, ये पूछा गया, ये बनवाया गया है, कॉमन नेम है इसका, बड़ा फेमस नेम है, 1-2 की पोजीशन है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑर्थो, ये तो यहां भी कह सकते थे ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, मेटा मिथाइल फिनॉल 4-मिथाइल फिनॉल। लेकिन इसका एक OH के साथ जब CH3 होता है, OH के साथ जब बेनीन के साथ CH3 होता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिशॉल, क्या कहते हैं क्रिशॉल, ओके क्रिशॉल कहते हैं, समझ में आ गया, बेनीन में जब OH के साथ CH3 होता है तो हम उसे क्रिशॉल कहते हैं, लेकिन ये 1-2 पोजीशन है इसलिए हम इसे कहेंगे ऑर्थो क्रिशॉल, ये 1-3 पोजीशन है इसलिए हम इसे कहेंगे मेटा क्रिशॉल, और ये आपकी 4 पोजीशन है तो हम इसे कहेंगे पैरा क्रिशॉल, ओके। ध्यान से देखें, ये आईपीसी नेम नेम से आ सकते हैं कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑर्थो क्रिशॉल, OH के साथ CH3-2 भी लगाना है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर मेटा क्रिशॉल, 1-3 पोजीशन लेनी है, पैरा के लिए 1-4 लेनी है, क्रिशॉल का मतलब क्लियर कर लीजिए, बेंजीन के साथ OH तो होगा ही होगा, साथ में CH3 होगा, वो डिसाइड करेगा पोजिशन, 2 है तो ऑर्थो लगा दीजिए, 3 है तो मेटा लगा दीजिए, 4 है तो पैरा लगा दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हटा लेते हैं, ये मोनोहाइड्रिक हमारे हो गए, मोनोहाइड्रिक हमारे हो गए, हो गए ना, अब बात कर लेते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल की, ठीक है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर लेते हैं, एरोमेटिक डाईहाइड्रिक, एक मैंने आपके लिए ये बनाया, ठीक है, एक मैंने आपके लिए ये बनाया, ओके एक मैंने आपके लिए ये बनाया और एक मैंने आपके लिए ये बनाया है, एक मैंने आपके लिए ये बनाया, मैंने ये 3 बनाया है, यहां पे तो 2 ही हुए चाहते हैं इसलिए ये तो डाईहाइड्रिक होंगे, यहां पे 3 आते हैं इसलिए ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा, लेकिन एरोमेटिक, डाईहाइड्रिक एरोमेटिक, ट्राईहाइड्रिक एरोमेटिक, और इससे पहले जितनी प्रॉब्लम ली थी वो सब मोनोहाइड्रिक थी,
ठीक है, चलिए बड़े प्यार से नाम ले लीजिएगा भैया, 1 2 इसको बेंजीन बोलते हैं, बिल्कुल बेंजीन, 1 2 डाइओल इसको कह सकते हैं, बेंजीन, 1 3 डाइओल इसको क्या कहेंगे, बेंजीन, 1 4 डाइओल, बेंजीन, 1 3 डाइओल, बेंजीन, 1 4 डाइओल, बेंजीन, 1 2 डाइओल। हम इसे यह भी कह सकते हैं 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन और 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, वो भी इसके नेम होंगे, मैं लिख देता हूं 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये भी इसका नाम है, नेम होगा, ठीक है, याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यही सब एनसीईआरटी में है, यही सब एग्जाम में आता है, यही पूछा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, कुछ पढ़े लिखे लोग इसका एक कॉमन नेम है बड़ा प्यारा सा, CATCHOL, कैटीचोल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कैटीचोल कहते हैं, ध्यान रखेंगे क्या होता है कैटीचोल, जब आपका OH 1 2 पोजिशन पर होगा, ठीक है। एक होता है हमारा रिसोर्सिनॉल, एक कौन सा होता है हमारा रिसोर्सिनॉल, एक रिसोर्सिनॉल होता है, एक हमारा क्यूइनॉल होता है, ठीक है, और ट्राईहाइड्रेट को हम बोलते हैं पायरेगोलोल, पायरो गैलोल, पायरो गैलोल, ठीक है। वैसे इसका नाम हो सकता है 1 2 3 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन 1 2 4 ट्राइओल, और कॉमन नेम है इसका पायरो गैलोल, ठीक है। नेम से पूछा जा सकता है कैटीचोल का स्ट्रक्चर, रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर, क्यूइनॉल का स्ट्रक्चर, पायरो गैलोल का स्ट्रक्चर, ये ट्राईहाइड्रिक है, ये सब ट्राईहाइड्रिक है, ठीक है। चलिए दो और थोड़े से इंपोर्टेंट नेम और बता रहा हूं, जिनकी आपको बड़ी बार बार आवश्यकता पड़ने वाली है, जगह नहीं है थोड़ा ऊपर बना देते हैं, दिमाग में उतार लीजिए सारे स्ट्रक्चर्स को, दिमाग में बहुत अच्छे से उतार लीजिएगा, इनकी सबको आपको आवश्यकता पड़नी है, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सारे स्ट्रक्चर को उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। बेंजीन पर जब CHO होता है तो हम उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं, बेंजीन पर जब COH होता है तो हम उसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। अगर फंक्शन ग्रुप दो हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो प्राइमरी सफिक्स वाला नेम लिखा जाता है छोटे का, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर से हम लोग सीखते हैं IUPAC में, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम कह सकते थे 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड, हम इसे कह सकते थे 2-hydroxy बेंजोइक एसिड, ये भी इनके नेम है 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड, 2-hydroxy बेंजोइक एसिड, लेकिन मैं उनके वो नेम तो नहीं लिखना चाहता, मैं इनके लिखना चाहता हूं आपके लिए जो बड़े फेमस बड़े इंपोर्टेंट नेम है, इसका नाम है सैलिसल डीहाइड, सैलिसल डीहाइड, और इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बहुत अच्छे से सुन लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन हो सकता है, चार ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंजीन के साथ OH के साथ CUH चाहिए, ये सैलिसिलिक एसिड होगा, सैलिसिलिकाइड क्या होगा, बेंजीन में OH के साथ CHO चाहिए, सैलिसिलिकाइड होगा, कैटीचोल क्या होगा, बेंजीन के साथ 2OH चाहिए, एक 1 पर और एक 2 पर, रिसोर्सिनॉल क्या होगा, बेंजीन के साथ 2OH चाहिए लेकिन एक 1 पर और एक चाहिए 3 पर, ओके 1 4 पर क्विनिनॉल हो जाएगा, ठीक है। क्रिशोल क्या होता है, बेंजीन के साथ OH के साथ CH3 चाहिए, 2 की पोजीशन है तो ऑर्थो, 3 की पोजीशन है तो मेटा, और 4 की पोजीशन है तो पैरा, ये सारी चीजें दिमाग में रखिए, स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं माय डियर, स्ट्रक्चर बनवाए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लिखवाए जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बार बार कर लें, मैं गारंटी ले रहा हूं एनसीईआरटी का लगभग कुछ बचा नहीं है, मैंने सारा सेक्शन कवर किया है, नेमिंग का, कॉमन नेम का, कार्बिनॉल सिस्टम का, IUPAC सिस्टम का, अभी कुछ 2-4 प्रॉब्लम और बतानी है जो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से रिलेटेड होंगी, अभी आप पहले से नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं उसकी बात करूंगा, ओके फटाफट नोट करें।
माफ करिएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत बन गया है, ठीक है, पायरोग्लू का। अब भाई मैं भी इंसान हूं, गलती हो जाती है, ठीक है। ट्राइहाइड्रेट पायरोग्लू का स्ट्रक्चर ये होगा, पहले वाला कट कर लीजिए, वो गलत है, ये सही है। 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं, 1 2 3 ट्राइगोल कह सकते हैं। कॉमन नेम तो लिख दिया पायरोगैलोल, पायरोगैलोल याद रखिए, यही सब पूछे जाते हैं, कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं आता क्लास 12th का, यही सब पूछा जाता है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, केमिस्ट्री में कभी नहीं आता, फालतू की चीजें पढ़ के अपना समय खराब मत करिए, ठीक है, कुछ नहीं आता फालतू। चलिए लगभग खत्म हो रहा है हमारा नेमिंग वाला सेक्शन, छोटी छोटी दो चार प्रॉब्लम्स और आती है, वो वर्क सीख लीजिएगा, 5 बताऊंगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हम नेमिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नेमिंग कर रहे थे, पी प्लस आर पी नॉट प्लस एस नॉट को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल। अब मैं कुछ उल्टा कराना चाहता हूं कि अब मैं आपको नेम दे रहा हूं और आपको स्ट्रक्चर बनानी है, मैं आपको नेम दे रहा हूं, आपको स्ट्रक्चर बनानी है, अभी तक स्ट्रक्चर दे रहा था, आप नेम बना रहे थे, कोई बात नहीं है, यही ऑर्डर फॉलो करना है, पहले आर को पकड़ना है, फिर प्राइमरी सर्फिक्स नेचर देखना है, फिर सेकेंडरी सर्फिक्स देखना है, और इस बार जो पहले देखते थे उसको लास्ट पर देखना है, कोई फर्क नहीं है, ये पहले भी सिखा चुका हूं, अब भी सिखा रहा हूं कि प्राइमरी सर्फिक्स नेमिंग में पहले देखते थे, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने में वो सबसे लास्ट में लगाना है, ठीक है। मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है 2-butanol का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, 2-butanol का स्ट्रक्चर बनाना है तो रूल के हिसाब से सबसे पहले रूट वर्ड सेलेक्ट कर लें, ब्यूट माने 4 होता है, काउंटिंग आप अपनी मर्जी से कहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2-butane रूट वर्ड होगा, फिर देखते हैं नेचर, एन आ रहा है सिंगल बॉन्डेड होगा, ओके। सेकेंडरी सर्फिक्स मतलब फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, फंक्शन ग्रुप आपका OH है और पोजिशन आपकी क्लियर हो रही है वो 2 पर है, दिस इज द 2-butanol, सही किया गलत किया आप इसका वापस आईयूपीएसी नेम बना लें, ये से मैच करता है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं करता तो गलत है। चलिए एक और देखते हैं, 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल, 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल का फोटो बनाना है, प्रोप माने तो 3 होता है, 1 2 3 कर लिया, पहले पिताजी 1 पर है, दूसरे 2 पर है और तीसरे 3 पर है, आप हाइड्रोजन कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार है, ठीक है, स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार है। फिर देखें 1-methyl, ये अच्छा है थोड़ा सा, 1-methyl 1-cyclopentanol, ओके, 1-methyl 1-cyclopentanol का स्ट्रक्चर बनाना है, साइक्लो समझते हैं, साइक्लो इस बार रिंग बनेगी, साइक्लो मतलब रिंग बनेगी, और कितने कार्बन की बनेगी, 5 कार्बन की, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर बना लें, नंबरिंग के लिए आप फ्री हैं कहीं से भी दे दें, 1 2 3 4 5, 1 पर ही कौन डांस कर रहा है, OH, वो कह रहा है 1 पर साइक्लो ऑल है, और 1 पर ही डांस कौन कर रहा है आपका CH3, बन गया भाई 1-methyl 1-cyclopentanol। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको करनी है, इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम आपकी आ सकती है, आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं, पूछा गया, मैं कुछ भी नया नहीं करा रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ भी नया नहीं करवा रहा हूं, ऐसी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है, ठीक है। फिर एक और प्रॉब्लम आ गई मेरे पास, चलिए देखते हैं, पैरानाइट्रो फिनॉल, ठीक है, पैरानाइट्रो फिनॉल बनाना है, एक हमें बनाना है 2-4-6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, ठीक है, 2-4-6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल बनाना है हमको, एक हमको बनाना है 2-ethyl फिनॉल हमको बनाना है, ओके, समझ में आता है, एक एक करके देख लेते हैं, फोर पैरानाइट्रो फिनॉल, फिनॉल समझते हैं, बेंजीन पर OH, बेंजीन पर OH आ गया तो वो तो फिनॉल होगा, पैरा क्या होता है, 1-2-3-4, दिस इज द पैरा, पैरा मतलब 4, 4 पर क्या लगाना है, NO2, बन गया पैरानाइट्रो फिनॉल, 2-4-6 पहले फिनॉल बना लें, फिनॉल पर बेंजीन पर OH आएगा, ये तो 1 पोजीशन ले लेगा, एक 2 पर है आपका, एक 4 पर है आपका, और एक आपका 6 पर है, ये हो गया 2-4-6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल,
जिसको आपने पिक्रिक एसिड कहा था। फिर एक और क्वेश्चन आ गया कि भाई टू इथाइल फिनोल का क्या होगा, टू इथाइल फिनोल का फिनोल बना लीजिए। फिनोल क्या होता है, बेंजीन पर OH, बेंजीन पर OH, ये वन है तो ये टू होगा और टू पर इस बार आएगा इथाइल। ओके, टू पर इस बार क्या आ जाएगा, इथाइल। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, करना आपको है, सीखना आपको है, जितना करेंगे उतना सीखेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूं, आप कितने भी वीडियो देख लें, किसी भी टीचर्स के देख लें, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आज का सेक्शन अच्छा लगा हो अपने और साथियों को बताएं और स्टूडेंट्स को बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो सके इस लॉकडाउन के दौरान। हमने पूरा प्रयास किया है केवल आपकी एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम, सारे सेक्शन को कवर किया जाए। मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं अभी चैप्टर बाई चैप्टर सारी प्रॉब्लम्स के भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। एक अरियंत की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आती है, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा चैप्टर के हिसाब से। ओके, आपके लिए बहुत कुछ करना है, परेशान ना, बस लगे रहिए। ओके, थैंक यू आज के लिए।